नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। हे गाइस, अभी हम जा रहे हैं चिखली गांव में, वहां पर देव मोगरा माता का जो मंदिर है उसका व्लॉग आपके साथ शेयर करने वाले हैं। गाइस, तो किसी ने मुझे मेरी चैनल के ऊपर कमेंट करा था पहले कि चिखली गांव में कोई देव मोगरा माता का मंदिर है, वहां का व्लॉग आप मुझे शेयर करें। इस तरह से किसी ने मुझे कमेंट करा था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो इसलिए मैं आज वहीं जा रहा हूं और कहां से और किस तरह से जाना है वो पूरा को पूरा यहां पर रास्ता दिखाऊंगा और वहां का किस तरह का नज़ारा है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अभी मैं हूं नवापुर में, ठीक है, नवापुर में हूं और नवापुर से अभी हम जा रहे हैं चिखली गांव में और उच्छल निजर रोड है वो रोड पकड़ कर जाने वाले हैं। आपको मैं मैप में दिखा दूंगा, उस तरह से आप भी अगर उच्छल या नवापुर से चिखली गांव में जाने वाले हैं तो आप भी उस जो रास्ता दिखाऊंगा उस रास्ते से आप जा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं भी पहली बार जा रहा हूं, मैंने भी नहीं देखा है वहां का नज़ारा, लेकिन जो भी नज़ारा होगा वो आपको क्लियरली इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहे मेरे दोस्त जो कि प्रेमल भाई और रमन भाई, इसके साथ हम जाने वाले हैं और इसकी भी चैनल है, इसके ऊपर भी वीडियो शेयर होने वाली है, तो उनकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने प्रेमल भाई का जो चैनल का नाम है वो नाम बता दीजिएगा, प्रेमल व्लॉग ऑफिशियल, और रमन भाई का जो चैनल है उसका नाम भी आप बता दीजिएगा। और आप नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही खतरनाक वीडियो आज देखने वाले हैं, तो वो वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों को शेयर कर देना है। मिलते हैं आप अगले फुटेज की वीडियो में। हे गाइस, तो ये जो बाइक है मेरी, आजकल मेरी बाइक में पीछे का जो टायर है इसमें से हवा निकल ही जाती है, पता नहीं यार पंचर है या क्या है। अभी यहाँ पर दिलिया भाई चेक कर रहे हैं, देखते हैं अभी पंचर है या नहीं, और पंचर निकाल के आगे का व्लॉग हम आपके साथ शेयर करेंगे। गाइस, तो देख सकते हैं ये पहले पंचर बनाया था, वहां से ही हवा निकल रही है, शायद देख सकते हैं, तो ये पंचर अभी बनाना पड़ेगा। तो अपनी गाड़ी का पंचर बन रहा है, तो मैंने सोचा भी नहीं था कि एक साथ तीन पंचर निकलेंगे, तो तीन पंचर बना रहे हैं, तो बहुत ही बुरी बात है। नया टायर में तीन पंचर निकलना बहुत ही खराब बात है, अभी मुझे ये टायर ही चेंज करना पड़ेगा। हे गाइस, तो बहुत ही गर्मी लग रही है, अभी मैं दुकान पर बैठा हूँ, अभी पंचर बना रहे हैं और थोड़ी देर में हम देव मोगरा ब्लॉक के लिए निकलेंगे और वहां का जो लोग है वो आपके साथ। हे गाइस, तो देख सकते हैं ये बाइक फिर से पंचर हो गई, ठीक है, अभी हमने तीन पंचर निकाले नवापुर में और यहां पर फिर से गाड़ी पंचर हो गई है। अभी देखते हैं क्या होता है, इसमें ये पंचर है या फिर हवा निकल गई, कुछ पता नहीं, अभी देख रहा है भाई। गाइस, तो अभी हम फिर से पंचर बना रहे हैं, जो पंचर बनाया था वही निकल गया और अभी वही पंचर बना रहे हैं। अभी हम छापटी गांव में हैं, तो ये उच्छल निजर का रोड है और हम छापटी गांव में आए हैं, और ये जो रास्ता है ये जाता है नारनपुर की ओर, अब हम यहां से नारनपुर जाएंगे। देख सकते हैं हम नारनपुर आ गए हैं, तो ये जो रास्ता है ये सीधा निजर की ओर जाता है और ये जो रास्ता है ये करोड़ की ओर जाता है, तो हम ये जो रास्ता है इस रास्ते से आए हैं, मतलब उच्छल से हम नारनपुर आए हैं और अभी इस रास्ते से जाने वाले हैं, यानी हमें करोड़ की साइड जाना है, ठीक है,
तो यहाँ से आप जा सकते हैं चिखली गांव में। पता नहीं यार प्रेमल भाई का क्यों गोदारा निकल रहा है, मतलब गोदारा नहीं हमारे भाषा में गोदारा कहते हैं, बट ये पसीना निकला है, पसीना हमारे भाषा में गोदारा कहते हैं। देख सकते हैं बहुत गोदारा निकल रहा है प्रेमल भाई का। चाय बन रही है अब। नारनपुर जो है यहाँ पर एक होटल है जो कि करोड़ फाटा कहते हैं, यहाँ पर हम चाय पीने के लिए बैठे हैं। फाइनली देख सकते हैं हमारे पास चाय पहुँच गई है। तो ये प्रेमल भाई की चाय है और ये रमन भाई की चाय है और ये तो पता ही आपको किसकी चाय होंगी। हम तीन जन हैं तो अभी हम चाय पीते हैं। वो वेटर रहे नहीं, देख सकते हैं चाय के साथ हमें पापड़ी ली है और इसका नाश्ता करेंगे। और देख सकते हैं प्रेमल भाई कितने मजा में है यार, बहुत ही खुश दिख रहा है। और देख सकते हैं रमन भाई गाइस। तो देख सकते हैं फाइनली हम यहाँ मोहिनी गांव में आए हैं और ये जो चार रास्ता है यहाँ से हम ये जो चंदापुर दिख रहा है इस रास्ते से हम चिखली जाने वाले हैं। गाइस तो अभी हम चंदापुर गांव में आए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं ये तीन रास्ता आता है। तो ये जो साइड में रास्ता जा रहा है ये इस रास्ते से हम जाएंगे चिखली में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस तो जैसे ही हम पुल क्रॉस करते हैं यानी ये जो साइट है इस साइट से हम आए हैं और यहाँ पर तीन रास्ता लगता है। तो ये जो बादाम का पेड़ है इस साइट से हमें चिखली जाने का है। इस रास्ता ये जो रास्ता है इस रास्ते से मत जाइए, इस रास्ते से जाना पड़ता है। गाइस तो देख सकते हैं हम फाइनली चिखली गांव में आ चुके हैं और अभी ये जो रास्ता दिख रहा है इस रास्ते से हम जाने वाले हैं देव मोगरा माता का जो मंदिर है वहाँ पर। गाइस तो फाइनली हम पहुंच गए हैं देव मोगरा माता का जो मंदिर है चिखली गांव में, यानी वन देवी यहाँ मोगरी माता का जो मंदिर है वहां पर पहुंच गए हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, जो हम अभी जिस रास्ते से आए वो भटकते हुए आए हैं और मुझे नहीं पता था कि चिखली महाराष्ट्र में जो चिखली गांव है वहां से वन देवी यहाँ मोगी माता का मंदिर। तो मुझे महाराष्ट्र का चिखली पता होता तो मैं शायद इतना घूम कर नहीं आता, बट कुछ बात नहीं, महाराष्ट्र का चिखली यानी डोकारे गांव है वहां से हम चिखली आते हैं। चिखली के बाद यहाँ पर वन देवी हम मोगी माता का जो मंदिर है वहां पर आते हैं। तो मैं अभी यहां से निकलूंगा तो मैं आपको यहां का शॉर्ट रास्ता आपको बता दूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा आपको यहां पर आएंगे तो घूमना नहीं पड़ेगा, आप शॉर्ट रास्ते से आ सकते हैं और अच्छे रास्ते से आ सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे, ये जो रास्ता दिख रहा है इस रास्ते से हम जाएंगे वन देवी यहाँ मोगी माता का जो मंदिर है वहां पर। और मैं भी यहां पर पहली बार आ रहा हूं और आगे का नजारा आपके साथ शेयर करता हूँ कैसा नजारा है वो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं ये हमने यहाँ पर थोड़े आधे रास्ते तक यहाँ पर बाइक लेके आए हैं और यहाँ से अभी पैदल जाना है। तो ये जो रास्ता है इस रास्ते से जाएंगे और देख सकते हैं रमन भाई वीडियो बना रहा है, इस रास्ते से हम आगे बढ़ेंगे। गाइस तो देख सकते हैं फाइनली हम देव मोगरा माता का जो मंदिर है वहां पर आ चुके हैं चिखली गांव से वन देवी यहाँ मोगी माता का जो मंदिर है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ फुटेज आपके साथ शेयर करता हूँ। इन्हें काई भाई खंड जानकारी दी देता है, भाई है चिखली गांव है आने इन गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर है इन चिखली गढ़ मोड़ ने या यात्रा ले तो कालो इन जहां माता जी है पहले दर्शन दे लो तहां पास पोर थे वाई वाई हले या पास पोर हले इ गढ़ है ही माता जी दर्शन दे दिलो इ देव मोगरा माता कालका माता आने सरस्वती माता है की इ में तीन चार मूर्ति है मज गोड़म दर वर्षी ही मेड़ो लागे है शिवरात्रि वे कि जे तमाम में ही 33 कोटी बट्टा देव वहां वास है
इवेल है लक्ष्मी माता है वागणिया गादी आखते है आपू आदिवासी में वागणिया गादी है अच्छे अंबे माता है अग्नि माता है पार्वती शिव शंकर को बोलेहाने आते ने तहा खाडी ने शिवलिंग काट लो शिवलिंग को थवी हो देखी जे हनुमाना मंदिर है को बेनी है जा है अच्छे ऊंचे जो डोगा वे मंदिर है इपलो अपन देखाई ने इपलो गोरखनाथ थे मच्छिंद्रनाथ महाराजा को मंदिर है ये मरम ते यही है ना माता जी मूर्ति स्थापना कोवे कोली ये माता जी मूर्ति स्थापना दोन एक 2001 जहाँ मुझे ये पोहरा दर्शन दे दो मुझे 13/11/2000 बराबर सोमवार थो तो दी माता जी दर्शन दे दो क्या नंतर दोन एक 2001 या साला ले ये माता जी मूर्ति ही स्थापना के लिए आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं यहाँ पर गढ़ है जहाँ मोगी माता यहाँ पर प्रकट हुई थी तो ये गढ़ देखने के लिए हम आए हैं और मैं भी यहाँ पर पहली बार आया हूँ मैं पहले नहीं आया था मुझे एक जो मेरा जो व्यूवर्स था उसने कमेंट करा था यानी राकेश चौधरी नाम था उसका और उसने बोला था कि यहाँ का वीडियो डालो तो मैं फाइनली आज आ गया हूँ यहाँ पर तो आपको मैं शॉर्ट रास्ता दिखाऊँगा कि किस तरह से यहाँ पर आना है अभी मैं घर पर जाऊँगा यानी नवापुर से हूँ तो नवापुर जाऊँगा तो मैं आपको पूरा डिटेल में जो रास्ता है वो मैं आपको दिखा दूंगा कि किस रास्ते से आप यहाँ पर आ सकते हैं वन देवी यहाँ मोगी माता गढ़ है यहाँ पर यानी ये चिखलीगढ़ भी कहते हैं और राकेश भाई ने जो मुझे कमेंट करा था तो चिखलीगढ़ इस तरह से कमेंट करा था कोई रास्ते जवान हो इस तरह से जो गुजराती था इसलिए उसने गुजराती में कमेंट करा था तो मैंने भी नहीं दिखा था लेकिन मैं भी उस कमेंट को पढ़ा उसके बाद में मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ पर यहाँ मोगी माता का मंदिर है तो फाइनली मैं आ गया हूँ और अभी मैं आपको शॉर्ट रास्ता दिखाऊंगा और जो भी मेरा जो वीडियो देख रहे हैं और आप वन देवी यहाँ मोगी माता मंदिर यहाँ पर आना चाहते हैं देव मोगरा माता का दर्शन करने के लिए यानी चिखलीगढ़ भी कहते हैं तो आना चाहते हैं तो मैं आपको नवापुर से यहाँ तक आने का रास्ता मैं इसी वीडियो में क्लियर करके बताऊँगा तो आप उस रास्ते से डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर देव मोगरा माता का जो है यहाँ पर मंदिर है यहाँ पर देव मोगरा माता का दर्शन कर सकते हैं और यहाँ पर बहुत ही बड़ी यहाँ पर देख सकते हैं ये गढ़ है यहाँ पर आके आप दर्शन कर सकते हैं गाइस तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अभी मैं आपको घर पे जाऊंगा तो यहाँ से जाने का जो रास्ता है यहाँ पर आने का रास्ता है वो मैं आपको बताऊंगा और मैं अभी जाऊंगा तो पूरा रास्ता क्लियर करूंगा नवापुर से चिखलीगढ़ तक ठीक है तो चलिए अभी हम आगे का रास्ता देखते हैं गाइस तो देख सकते हैं अभी हम गढ़ के पास है यहाँ मोगी माता का और यहाँ पर देख सकते हैं इस साइड से जो ये जो रास्ता जा रहा है ये यहाँ से लक्ष्मी माता और वहाँ पर भोलेनाथ का मंदिर है वहाँ पर हम जाने वाले हैं तो आगे का जो मंदिर है वो आपके साथ शेयर करते हैं तो चलिए अभी इस रास्ते से हम जाते हैं आगे साइड में जो यहाँ पर दिख रहा है वहाँ पर देव मोगरा माता का मंदिर था और इस जंगल के रास्ते से कच्चा रास्ता है इस रास्ते से हम ये जो मंदिर है यहाँ पर आए हैं और उस साइड में एक मंदिर है वहाँ पर महादेव का मंदिर है शायद वहाँ पर भी हम जाएंगे इस तो बीच रास्ते में आए हैं और कुछ वहाँ पर देख सकते हैं वहाँ पर एक मंदिर है वहाँ पर हम जाएंगे गढ़ है शायद वहाँ पर हम जाएंगे तो वहाँ पर कौन सा मंदिर है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस तो देख सकते हैं यहाँ पर अम्बे माता का मंदिर है और यहाँ से अब हम ये जो रास्ता है इस रास्ते से हम जाएंगे और आगे जो भी मंदिर होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो अभी हम इस रास्ते से आए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं हनुमान दादा का मंदिर है यहाँ पर तो और यहाँ पर एक फिर से मंदिर बन रहा है ठीक है तो यहाँ पर भी एक मंदिर है चलिए देखते हैं गाइस तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ इस तरह से मंदिर है यहाँ पर और हम आगे देखेंगे हे गाइस यहाँ पर शिवलिंग है
तो देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर मंदिर का काम बाकी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप शिवलिंग का दर्शन के लिए आ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम फाइनली लास्ट मंदिर के पास आ चुके हैं। आपने देखा हम पहले गए थे देवमोगरा माता का जो मंदिर था वहां पर गए थे, उसके बाद में हम गए थे कैसे लारा लक्ष्मी माता, हाँ उसके बाद में हम गए थे लक्ष्मी माता का जो मंदिर था वहां पर गए थे, उसके बाद में हम गए थे अम्बे माता का मंदिर था वहां पर गए थे, उसके बाद में गए थे हम लमान, जय बजरंग बली यानी हनुमान का मंदिर था वहां पर गए थे, और फिर शिवलिंग का मंदिर था वहां पर गए थे, और उसके बाद में हम आखिरी मंदिर के पास आ गए हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं शिवलिंग का मंदिर है। गाइस तो फाइनली फिर आ गए हम गोरखनाथ का जो मंदिर है यहाँ पर। तो यहाँ पर इतने सारे यहाँ पर मंदिर मिल जाते हैं, देवमोगरा माता का जो मंदिर है, वन देवी यहाँ मोगी माता जो कि चिखली गढ़ कहते हैं, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से डायरेक्ट घर पे जाएंगे और आपको नागपुर से यहाँ तक यानी चिखली गढ़ तक का जो रास्ता है वो आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करने वाले हैं। तो चलिए अभी सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है, तो देर ना करें जल्दी से लाइक कर दीजिए। हम नेक्स्ट व्लॉग भी बनाने वाले हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो सबसे पहले आप तक आएगा और आप सबसे पहले हमारा व्लॉग देख पाएंगे। गाइस तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये मंदिर है और देख सकते हैं यहाँ मोगी माता का मंदिर वहाँ पर है, और हम ये जो रास्ता दिख रहा है यहाँ पर हम जाएंगे, हमारी बाइक शायद वहाँ पर है और वहाँ से हम अभी हम नवापुर के लिए रवाना हो जाएंगे। अभी घर पे जाना है, काफ़ी टाइम हो गया है, देख सकते हैं अभी 4 बज गए हैं, हम 11 बजे से निकले थे तो बहुत टाइम लग चुका है। तो चलिए अभी हम निकलते हैं घर पे और अभी मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ और अभी मैं आपको रास्ता यहाँ पर गाइड करने वाला हूँ। ये जो रास्ता है कुछ इस तरह का है, थोड़ा कच्चा रास्ता है, ये थोड़े दिन में बन जाएगा, ठीक है। तो इस रास्ते से हम आए हैं और अभी जाते हैं घर पे, नवापुर जा रहे हैं। गाइस तो देख सकते हैं हम चिखली यहाँ पर फाटे पर आ चुके हैं और ये जो रास्ता है ये नवापुर से आता है और ये जो रास्ता है ये वड़फली की तरफ जाता है और ये जो रास्ता है ये चिखली की तरफ जाता है। तो आपको यहाँ तक आना है यानी चिखली गांव में आना है और चिखली गांव से ही आप उस वन देवी यहाँ मोगी माता का जो मंदिर है वहां तक जा सकते हैं। तो अभी हम ये जो रास्ता है ये नवापुर की ओर जाता है, अभी यहाँ से हम डायरेक्ट डोकारे जाएंगे, डोकारे से पाचाम्बा, पाचाम्बा से आमलान, आमलान से डायरेक्ट नवापुर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए जाते हैं अभी घर पे।